पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा ही पुलिस लाइन में स्थित क्वार्टर गार्ड पर पुलिस कर्मियों के साथ ही पुलिस झंडा दिवस मनाया गया है और झंडे को सलामी दी गई है। वहीं यूपी के पुलिस के इतिहास में 23 नवंबर को दिन विशेष महत्व रखता है और इस दिन पुलिस झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 नवंबर 1952 के बाद ही प्रतिवर्ष सैनिक कल्याण के लिए ही झंडे के स्टिकर जारी किए जाते हैं और पुलिस झंडा दिवस यानी प्रतिवर्ष 2030 नवंबर को पुलिस मुख्यालय और कार्यालयों पर क्वार्टर गर्द थानों भवनों और कैंपों पर पुलिस ध्वज लगाते हैं और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही पुलिस ध्वज का प्रतीक वर्दी की बाइन चिप के ऊपर लगाया जाता है। यह सिलसिला 23 नवंबर 1952 से लगातार जारी है। बता दी कि ध्वज को धर्म के अधर्म पर विजय की प्रेरणा के तौर पर माना जाता है और ध्वज कर्तव्य का पाठ और मूल्यों के लिए संघर्ष समर्पण सिखाता है। चूंकि पुलिस या फिर सेना भी समाज में बुराई को दंडित करने और अच्छाई जीवित रखने के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए कार्य करती है, इसलिए थाने को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया जाता है। ध्वज को धर्म की आधार पर विजय की प्रेरणा के तौर पर मनाया जाता है। ध्वज कर्तव्य का पाठ और मूल्यों के लिए संघर्ष समर्पण सिखाता है। क्योंकि पुलिस और सेना भी समाज में बुराई को दंडित करने और अच्छाई जीवित रखने के लिए कार्य करती है, इसलिए पुलिस और पीएसी के बलों द्वारा उनके शौर्य प्रदर्शन और उच्च कोटि की कर्तव्य सहायता के फलस्वरूप सम्मानित करते हुए 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर प्रदान किया था। इसी दिन पीएसी को भी ध्वज प्रदान किया गया था। तब से उत्तर प्रदेश पुलिस 23 नवंबर को अपने लिए गौरवशाली दिन के रूप